पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला इन दिनों डोडा और अन्य प्रकार के अवैध मादक पदार्थों का हब बनता जा रहा है। कारण यही है कि इन तस्करों के साथ पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ रहता है। और ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही बायतू के DSP और वहां के कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उनमें पूरी बात ये सामने आई है कि उनकी जो तस्कर हैं उनके साथ लिप्तता पाई गई है और जांच के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जब से इन दोनों को सस्पेंड किया है उसके बाद पूरे पुलिस बेड़े में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस कार्यवाही के बाद कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि बाड़मेर पुलिस ने पूरी राजस्थान पुलिस को दागदार कर दिया है। बायतू के DSP जग्गू राम को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि प्रतापगढ़ में पुलिस और तस्करों के बीच जब मुठभेड़ हुई थी तब वहां पर दो तस्करों के पैरों में गोली लगी, तो उन तस्करों ने ये बात कबूल की कि बायतू के DSP से बात कर लो, और उनकी पूरी चैट खंगाली गई और कई और साक्ष्य पुलिस को मिले हैं जिससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो गई कि बायतू DSP जग्गू राम का तस्करों के साथ गठजोड़ है। और लगातार पिछले कुछ समय से इस प्रकार की पूरे राजस्थान में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि कौन पुलिसकर्मी और अधिकारी इस तरीके से अपराधियों के साथ तस्करों के साथ गठजोड़ करते हैं, उनके साथ लिप्त पाए जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार जग्गू राम का नाम जो है इस प्रकार के अपराधियों के साथ लिया गया। और अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो होली के इर्द गिर्द जब बायतू थाना अधिकारी ने तस्करों के बीच उनकी मुठभेड़ हुई और उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई तब भी बायतू DSP जग्गू राम का नाम सामने आया था। और प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में जब ये तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ के बीच में जग्गू राम का नाम सामने आया तो जग्गू राम को सस्पेंड कर दिया गया और उसके साथ एक कांस्टेबल नैनू राम को भी पुलिस ने सस्पेंड किया है। गौरतलब है कि बायतू में कुछ दिन पहले ही बायतू के SHO ओम प्रकाश को लाइन हाजिर किया तब भी ये बात सामने आई थी कि बायतू थानाधिकारी ओम प्रकाश और जग्गू राम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसी बात भी सामने आई है कि इन दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुई थी। दूसरी तरफ बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ कर रही है, लेकिन इस तरीके से अगर पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की तस्करों के साथ गठजोड़ होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर यह सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है कि क्या अपराधियों के साथ तस्करों के साथ पुलिस के अधिकारियों की इतने बड़े अधिकारियों की मिली भगत है। अगर ऐसा नहीं है तो कई बार ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि कई बार बड़ी कार्यवाही होने से पहले ही उन तस्करों तक सूचना पहुंच जाती है कि आपके खिलाफ कार्यवाही होती है, तो अब इस प्रकार के कार्यवाहियों के बाद ये बात सामने आ सकती है कि कहीं ना कहीं उनको सूचना देने वाले पुलिस अधिकारी या कर्मचारी भी हो सकते हैं। अब लगातार इस प्रकार की कार्यवाही होने के बाद पूरे बाड़मेर पुलिस बेड़े में कहीं ना कहीं जितने पुलिसकर्मी हैं और पुलिस अधिकारी हैं जिनका तस्करों के साथ गठजोड़ रहता है कहीं ना कहीं वो लिप्त रहते हैं, उनमें एक हड़कंप सा मचा हुआ है कि कहीं अगली हमारी बारी नहीं हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर SP दिगंत आनंद लगातार अलग अलग प्रेस नोट जारी करके ये कहते हैं कि हमारी पुलिस लगातार इस प्रकार के तस्करों के खिलाफ धरपकड़ कर रही है और कई बड़ी कार्यवाहियों को भी अंजाम दे रही है। निश्चित रूप से कार्यवाहियां होती हैं, लेकिन इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी अगर तस्करों के साथ गठजोड़ करते हैं, उनके साथ लिप्त पाए जाते हैं, तो बाड़मेर जिले में कैसे इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम होगी।